चलिए अब हम अपनी इन्फ्लामेशन यूनिट में आगे बढ़ेंगे, वो देखेंगे लेक्चर नंबर 17। ठीक है, देखो इससे पहले हम ऑलमोस्ट 90% इन्फ्लामेशन यूनिट को ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस 16 लेक्चर नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो आज हम पढ़ेंगे काइनिन सिस्टम। 3 से 4 मिनट का टॉपिक है। ठीक है, चलिए देखो काइनिन सिस्टम में होता क्या है। सबसे पहले फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट होता है। ठीक है, ये क्लोटिंग फैक्टर है। ठीक, जैसे ही फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट होगा तो ये प्री कैलिक्रीन को कन्वर्ट कर देगा कैलिक्रीन में, और कैलिक्रीन कन्वर्ट कर देगी काइनिनोजन को ब्रेडिकाइनिन में, या फिर ये कहें काइनिन में। ब्रेडिकाइनिन को आप काइनिन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो ये ब्रेडिकाइनिन का रोल होता है इन्फ्लामेशन में। अब ये क्या करता है, वेजोडाइलेशन करता है, ब्लड वेसल्स का साइज इंक्रीज करता है। ठीक है, चलिए और क्या करता है, ये पेन, बहुत दफ़ा जब इन्फ्लेमेशन होती है तो आपको पेन होता है, उस पेन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ब्रेडिकाइनिन, या फिर एक प्रोस्टाग्लैंडिन पढ़ा था हमने, याद करो PGE2। ठीक है, तो जब भी इन्फ्लेमेशन होगी और आपको पेन होगा तो उस पेन के लिए 2 इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रेस्पॉन्सिबल होंगे, एक ब्रेडिकाइनिन, एक PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, चलिए और ये इंक्रीज करता है वेस्कुलर परमिएबिलिटी। ठीक है, चलिए ठीक है, तो समझ में आया, फिर से मैं दोहरा देता हूं। फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट होता है, प्री कैलिक्रीन को कैलिक्रीन में कन्वर्ट करता है, जो काइनिनोजन को ब्रेडिकाइनिन में कन्वर्ट करता है, उसके रोल होता है इन्फ्लामेशन में, वो वेजोडाइलेशन करता है, पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ब्रेडिकाइनिन, और इंक्रीज करता है वेस्कुलर परमिएबिलिटी, मतलब कहीं ना कहीं प्रमोट कर रहा होता है आपकी इन्फ्लामेशन को। ठीक है, चलिए अब एक बात और समझो, आपने कोगुलेशन कैस्केड प्रीवियस सिलेक्शन में पढ़ा था, उसका जो इंट्रेंसिक पाथवे था वो जब एक्टिवेट होता था तो उस वक्त सबसे पहला क्लोटिंग फैक्टर कौन सा एक्टिवेट होता था, फैक्टर नंबर 12। ध्यान दो, जब आपने इंट्रेंसिक पाथवे पढ़ा था कोगुलेशन कैस्केड का तो भी फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हो रहा था, और जब आपने काइनिन सिस्टम पढ़ा तो भी फैक्टर नंबर 12 एक्टिवेट हो रहा था। मतलब आप ये कह सकते हो काइनिन पाथवे और कोगुलेशन कैस्केड कहीं ना कहीं इंटरलिंक है, कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए तो उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।